तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है व्हाट इज डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स आर केमिकल सब्सटेंस विद सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग थिंग्स। तो ये हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं और ये कैटायनिक डिटर्जेंट्स, एनायोनिक डिटर्जेंट्स एंड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स, ये डिटर्जेंट्स के हमारे टाइप हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा पहला टर्म है कैटायनिक डिटर्जेंट्स। तो हमारे कैटायनिक डिटर्जेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइन विद एसीटेट क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एज एनायंस। तो देखो जरा, तो सबसे पहले हम अमाइन को समझते हैं। तो अमाइन का मतलब होता है आर एनएच टू, ये हमारा हो गया अमाइन। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आर, ये एन, दो हाइड्रोजन हमने ऐसे लगा दिए और नाइट्रोजन पे लोड दिया है। ठीक है, अब यहां से हम हाइड्रोजन जो है वो हटाएंगे तो CH3 ग्रुप लगा सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन हटा के CH3 ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो कैटायनिक डिटर्जेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो CH3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, राइट? तो ये बॉन्ड बना लिया। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमने इस पूरे पे लगा दिया। तो ये हमारा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का क्या हो गया, ये कैटायन हो गया। अब R जो है वो यहां पे है सीटाइल, तो सीटाइल का मतलब है C16H33, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिख लो कि CH3, फिर ये CH2, ये हमको 15 लिखने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो ये CH2 जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये सब के सब जो है इससे कनेक्ट हैं। ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमारा सीटाइल जो है वो कैसा बनेगा, सीटाइल बनेगा हमारा CH3 CH2 होल 15। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये हमारी लॉन्ग कार्बन चेन है, तो ये हमारी हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। अब जो है ये हमारा कैटायन हो गया। अब इस कैटायन को सेटिस्फाई कौन करेगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आपका एसीटेट, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दिया, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दिया तो क्या हो जाएगा, Br-, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो यहाँ पे Br- की जगह क्या हो जाएगा, Cl-। ठीक है, ये नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इसको दिया CH3COO को तो क्या हो जाएगा, CH3COO-, राइट? तो ये हमारे एनायन हो गए, ये हमारा कैटायन है। और इस कैटायन को सेटिस्फाइड या तो Br- करेगा या Cl- करेगा या CH3COO- करेगा। टिक, समझ के बात को। तो ये हमारा जो है वो कॉमन कैटायनिक डिटर्जेंट है, यहाँ पे एनायन जो है वो Br- है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा सीटाइल। ये तीन मिथाइल है तो लिखा जाएगा ट्राई मिथाइल। ये हमारा अमोनियम आयन है तो लिखा जाएगा अमोनियम। ठीक है, और ये ब्रोमाइड। अगर Br- नहीं होता तो क्या लिखा जाता, अमोनियम आयन लिखा जाता। ठीक है, अब चूंकि इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो अमोनियम ब्रोमाइड आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है। अब ये जो हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट होता है ये कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये एनायनिक डिटर्जेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इस कारण इसका यूज कैसा होता है, लिमिटेड यूज होता है। लिमिटेड यूज क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, इस कारण इसका यूज जो है वो लिमिटेड है। चूंकि इसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है,
तो जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज के कारण इसका यूज हम कहां करते हैं, हेयर कंडीशनर बनाने में यूज करते हैं। तो ये जो है हेयर कंडीशनर जो है वो बनाया जाता है। तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट का यूज हम कहां करते हैं, हेयर कंडीशनर बनाने में करते हैं। अब हमने इसको कैटायनिक डिटर्जेंट क्यों बोला, क्योंकि यहां पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो क्या है, वो कैटायनिक पार्ट है, इस कारण ये हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट कहलाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड है एनायनिक डिटर्जेंट। तो हमारे एनायनिक डिटर्जेंट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, तो एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारे लॉन्ग चेन अल्कोहल से बने होते हैं या फिर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। तो एनायनिक डिटर्जेंट को हम जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो एनायोनिक डिटर्जेंट्स, पहला है सोडियम एल्काइल सल्फेट, ये पहली कैटेगरी है, और सेकेंड है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दो कैटेगरी है सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो सोडियम एल्काइल सल्फेट ये तो बनी होती है हमारे एल्कोहल से और ये बनी होती है हमारी हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से इस टाइप का डिटर्जेंट बनता है और एल्कोहल से इस टाइप का डिटर्जेंट बनता है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल से डिटर्जेंट बनाते हैं, तो एक हमें एल्कोहल चाहिए, तो लॉन्ग चेन एल्कोहल चाहिए, तो ले लेते हैं CH3CH2 whole 11। तो ये क्या हो गया, ये हो गया C12H25। तो ये हमारा लॉरिल कहलाता है, ठीक है, और ये OH लगा दिया तो ये हमारा लॉरिल अल्कोहल हो गया। तो ये हमारा लॉरिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड से करानी है, तो H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे। तो H2SO4 ये हमें कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है S OO, ये OH और ये OH। तो इसका H पॉजिटिव इस लोन पेयर पे क्या होगा, अटैक करेगा, तो वाटर निकलेगा और OSO3H कनेक्ट हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो यहां पे वाटर जो है वो निकलेगा, राइट, तो H और ये OH से वाटर निकल गया और अब इस पे जो है ये CH3CH2 whole 11। अब इस पे क्या जोड़ना है, ये O और ये S से तीन वो कनेक्ट है और ये एच है, तो ये SO3H ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका एच निकाला ये, तो ये हमारा हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है, ठीक। अब क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो इसकी रिएक्शन जो है वो एनायोनिक से करानी है, ठीक है। एनायोनिक से रिएक्शन कराओगे तो क्या था, अब देखो जरा, ये O नेगेटिव था और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH था। तो अब चूंकि ये एसिड और ये बेस है, तो एसिड का H और बेस का OH क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो यहां से H निकल गया, यहां से OH निकल गया, अभी Na पॉजिटिव बचेगा, तो क्या होगा, ये यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बनेगा ये CH3CH2 whole 11, O SO3 ये तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो इसको ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन लगा लूं, और Na पॉजिटिव, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम लॉरिल सल्फेट। लॉन्ग चेन जो है हमारा एनायन है, इस कारण ये हमारा एनायनिक डिटर्जेंट कहलाएगा।
एल्कोहल से बने एनायनिक डिटर्जेंट जो है वो कैसे होते हैं, वो 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। अब आपकी बुक में ये ऐसा लिखा होगा कि CH3CH2 जो है वो 10 है, फिर एक CH2 लिखा है और फिर इससे OH कनेक्ट है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर आपको बिल्कुल अपने बुक जैसा करना है, NCERT बुक जैसा करना है, तो ये CH2, ये 10, ये CH2 और फिर O कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो बस ऐसा आप कर सकते हो, यहाँ पे ये CH2, ये 10, फिर CH2 और फिर ये बॉन्ड लगा दो, ठीक। तो ऐसा भी कर सकते हो। अब हम अपना दूसरा टाइप देखते हैं, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, ठीक। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन लेना है, तो डो डेकाइल बेंजीन जो है वो ले लेते हैं। तो डो डेकाइल बेंजीन मतलब कि CH3CH2 whole 11, तो ये हो गया हमारा डो डेकाइल, ठीक। और ये हो गया हमारा बेंजीन की लिंक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन किया लिंक बन दो, तो डो डेकाइल बेंजीन, इसकी रिएक्शन जो है वो H2SO4 से करानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फोनेशन होगा इस बेंजीन लिंक पे। अब सल्फोनेशन होगा तो क्या होगा, तो ये देखो, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH, तो यहाँ से OH जाएगा और इस बेंजीन का ये हाइड्रोजन जाएगा तो वाटर निकलेगा, ठीक है। तो SO3H जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये वाटर निकला और ये CH3CH2 whole 11, ये हमने बेंजीन की रिंग बनाई, ये रिंग बनाई और ये SO3H, तो ये हमारा बना डो टेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो इसकी रिएक्शन किससे करानी है, एनायन से करानी है, तो एनायन से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसका OH से क्या होगा, वाटर निकलेगा, तो वाटर निकलेगा और सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। एसिड बेस की रिएक्शन से क्या होता है, सॉल्ट बनता है, तो बस ये हमारा सॉल्ट बनेगा CH3CH2 whole 11, ये बेंजीन की रिंग है और ये SO3, ठीक है। इस पर क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो होल नेगेटिव कर दिया और पॉजिटिव, ठीक। तो ये बन गया हमारा एनायन और ये बन गया हमारा कैटायन, तो इसका नाम होगा सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब चूंकि यहाँ पे लॉन्ग चेन पार्ट जो है वो एनायनिक पार्ट है, इस कारण ये हमारा एनायनिक डिटर्जेंट कहलाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में किसी भी प्रकार के आयन नहीं होते, तो इसकी डेफिनेशन होगी, दीज आर एस्टर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल विथ फैटी एसिड्स, एग्जाम्पल है पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल स्टीरेट। तो देखो जरा, ये हमारा कैसा है, एस्टर है, और एस्टर किससे बनता है, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये जो एग्जांपल है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल स्टीरेट, तो स्टीरेट का मतलब है कि ये हमारा स्टीरिक एसिड होगा और ये हमारा एल्कोहल पार्ट होगा। तो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल ये एल्कोहल पार्ट है और स्टीरेट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। तो देखो जरा, तो पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल ये कैसे बनता है, तो ये CH2, ये CH2, इधर OH लगाओ, इधर OH लगाओ, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोल। इसकी रिएक्शन है CH2CH2O, ये पॉली ऑक्सी इथाइलीन से करानी है,
क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ दूं, ठीक है, OH पार्ट इससे कनेक्ट होगा और ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा आएगा, ये OH, फिर CH2O, ये हमें N लेना है, ठीक है, तभी तो इधर आएगा पॉली, ये पॉली जो है वो ये N नंबर में लेना है, इसलिए यहाँ पे पॉली आया, ठीक है, और क्या जोड़ना है, CH2OH, तो ये हो जाएगा हमारा पॉली ऑक्सी इथाइलीन ग्लाइकॉल, या इसको केवल और केवल आप पॉली इथाइलीन ग्लाइकॉल भी कह सकते हो। इसके रिएक्शन जो है, अब ये हमारा एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन स्टीरिक एसिड से करानी है, तो स्टीरिक एसिड मतलब C17H35COOH, ये हमारा स्टीरिक एसिड होता है, ठीक है, C17H35COOH, इसको आप ऐसा लिख सकते हो CH3CH2O16COOH, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा, तो ये स्टीरिक एसिड है। और अब हमें एस्टर बनाना है, तो एस्टर कैसे बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाएगा और यहां से H जाएगा, तो हमारा क्या होगा, एस्टर बनेगा, तो देखो बना देते हैं, तो CH3CH2 ये 16, ये C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, ठीक है, और यहां पे ये O कनेक्ट कर देते हैं, और ये CH2CH2O ये N कर दो, है ना, और कनेक्ट कर दो इससे, नीचे कनेक्ट कर देते हैं या आगे कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये CH2CH2OH, ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, स्टीरिक एसिड कि यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं ये वाला, तो ये CH3CH2O16COOH, ठीक है, तो और ये वाटर निकाल देगा, ठीक है, OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा पॉली ऑक्सी इथाइलीन ग्लाइकोल स्टीरेट या फिर पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल स्टीरेट, तो ये हो गया हमारा पॉली इथाइलीन ग्लाइकोल स्टीरेट, ठीक है, और ये हमारा कैसा है, ये हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के आयन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का आयन जो है वो यहाँ पे नहीं मिला, इस कारण इसको हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो है वो लिक्विड डिशवॉश बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड डिशवॉश जो है वो हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट से जो है वो बनाते हैं, जैसे विम हो गया, ठीक है, डिटॉल हो गया, तो डिटॉल लिक्विड डिशवॉश या विम लिक्विड डिशवॉश, तो ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट से बनते हैं। और नॉन आयनिक डिटर्जेंट भी कैसा होता है हमारा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये कैसा होता है, ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे डिटर्जेंट एंड डिटर्जेंट्स के टाइप हो गए।